हाय दोस्तों, आप लोग कैसे हो। आज मैं सहजन की दाल बनाने वाली हूँ। मैंने दो दालें लिए हैं, एक रहर की दाल है और एक मूंग की दाल है छिलके वाली। मैं इसे सफ़ा से धो लेती हूँ। मैंने धो लिया है, इसमें पानी डालती हूँ। मैं पानी डाल के मैं गैस पे चढ़ा दिया है, इसे ढक देती हूँ उबाल आने के लिए। तब तक मैं सेंगा छिलके तैयार करती हूँ। इसी तरह से मैं सारे सेंगे को छील के तैयार करूंगी। बहुत नरम और बहुत पतले सेंगा है। उबाल आ चुका है, उबाल मैं हटा देती हूँ। हल्दी डाल दिया है, नमक डाल देती हूँ। देख लीजिए, सेंगा छील के रेडी कर लिया है। इसे भी मैंने धो के इसमें डाल दिया। अब मैं इसे पकने देती हूँ। मिर्चा डाला है मैंने, दो प्याज मैंने बड़े बड़े कटिंग करके डाला है, दो टमाटर डाला है बड़े बड़े टुकड़े, और लहसुन की कलियाँ डाला है मैंने 10-12। सारे मैंने ऐसे बड़े बड़े टुकड़ों में डाला है, ये सारे गल जाते हैं, बहुत खाने में टेस्टी लगता है दाल। हींग डाल रही हूँ, इससे इसका स्वाद बहुत ही बढ़िया आता है। और ये देख लीजिए, हमारी दाल तैयार है। एक ही पानी में मैंने इसे बनाया है, बहुत अच्छे से बन के रेडी है। इसे मैं नीचे उतार देती हूँ। अब तड़के के लिए मैंने तेल डाला है, राई डाला, और मैं इसमें जीरा डाली, और दो सूखी लाल मिर्ची मैंने डाला है, थोड़ा सा धनिया डालती हूँ, थोड़ा सा काश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डाला, थोड़ा सा गरम मसाला डाला है। गैस को मैंने बंद करके ये मसाले डाले हैं। ये देख लीजिए, हमारा तड़का तैयार है, हमारी दाल रेडी है। बहुत ही बढ़िया इसका कलर भी आया है, खाने में भी बहुत टेस्टी लगती है। अब मैं इसे धनिया डाल देती हूँ, और इसे अभी सर्व करती हूँ चावल के साथ। खाने में बहुत बढ़िया लगता है। आप भी इसी तरह से बनाइए, खाइए, और दोस्तों एंजॉय कीजिए। दाल खाने में बहुत अच्छी लगती है, एक बार ज़रूर बनाएं आप, बहुत ही टेस्टी लगते हैं। बाय।